यार वैसे मैं ना बचपन में बड़ा ही शरारती हुआ करता था, पर मेरे बच्चे आए हाय क्या बात है, इतने कमाल के बच्चे हैं, बस सारा दिन किताबें लेके पढ़ते रहते हैं, उन्हें कुछ कहना ही नहीं पड़ता। और एक था मैं, अगर मेरी मम्मी मुझे कोई भी काम कहती थी ना, मैं वो काम करने तो जाता था, लेकिन मान लीजिए अगर कहा भाई दूध ले आ, दही ले आ, उसमें से एक दो रुपए आंटी कर लेता था। लेकिन मेरे बच्चे इतने सीधे नहीं सीधे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे बच्चे भी बिल्कुल मेरे पे गए और मुझे एक मिनट एक काम करता हूँ, मैं अपने बच्चों को चेक कर लेता हूँ। आप लोग यहीं पे रहिए, आपका स्वागत है फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स क्या बोलती पब्लिक में। यार मेरे बच्चे बिल्कुल मेरे पे गए, नहीं मुझे लग रहा था कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो लोग पढ़ाई की किताबों के बीच में कार्टून बुक रख के पढ़ रहे थे। कोई बात नहीं, मैंने भी उनके लिए रूल बना दिया, अब से घर में नो कार्टून छाटून। वेल उनके लिए तो रूल्स हो गए, आप भी रूल सुन लीजिए। देखिए भाई, मैं आपसे पूछूंगा पांच सवाल, सवालों के होंगे दो ऑप्शन, आपको चुनना है कोई भी एक, जिस ऑप्शन को सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही होगा सही जवाब, और जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 10 सेकंड। तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। नहीं, शुरू करने से पहले आपको पता है इनाम है, पता है ना आपको? नहीं, अरे यार अगर इनाम के बारे में जानना है तो जाइए फ्लिपकार्ट वीडियो के पेज पर क्या बोलती पब्लिक पे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है, आप मुझे बताइए बच्चे सबसे ज्यादा झूठ किस बात के लिए बोलते हैं अपने माँ बाप से? ऑप्शन है कार्टून या शोज या पढ़ाई के मामले में। वैसे 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वेल आप ये गेम मेरे साथ सुबह 9 से रात 9 बजे तक खेल सकते हैं, जितनी बार चाहे खेलें, और जवाब भी बदल सकते हैं, लेकिन जो जवाब आपने आखिर में दिया होगा वही फाइनल माना जाएगा। सोच समझ के जवाब देना। वैसे यार बचपन में ना मुझे एक और चीज का बहुत पैशन था, बहुत शौक था, वो था मीठा खाना। अरे मैं तो इतना शौकीन था कि मेरी गली में ना एक हलवाई की दुकान थी, मैंने उसके बेटे से दोस्ती कर ली थी ताकि वो मुझे मिठाई खिलाए, वो भी फ्री में। वैसे अब थोड़ा हाल अलग हो चुका है, अब मैं इतना मीठा नहीं खाता, क्योंकि अगर एक दिन भी आराम से रसगुल्ला खा लूं तो अगले दिन यहाँ पे नजर आता है। पर कोई बात नहीं यार, वैसे मुझे जलेबी बड़ी पसंद है यार, इतने दिन हो गए जलेबी की शक्ल तक नहीं देखी, मुझे तो समझ नहीं आ रहा जब मैं इतने दिन बाद जलेबी देखूंगा तो मेरा रिएक्शन कैसा होगा। वैसे ऐसा ही एक रिएक्शन आया है, उसका वीडियो दिखाता हूँ। ये है द स्वीट रिएक्शन ऑफ श्रद्धा कपूर। वैसे यार श्रद्धा कपूर को क्या कमाल के एक्सप्रेशन आते हैं ना। वैसे मैं सोच रहा हूँ अगर श्रद्धा कपूर को अलग अलग तरह की न्यूज मिलेगी तो रिएक्शन कैसा होगा। मान लीजिए मैं कहूँ श्रद्धा तुम्हारी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में कमाल किया है, श्रद्धा तुम्हारी शादी तय हो गई है, श्रद्धा मनीष पॉल का शो क्या बोलती पब्लिक तुम्हें कैसा लगा। वैसे ये रिएक्शन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर चलिए अब मैं पूछता हूँ अगला सवाल। श्रद्धा कपूर की इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद है, क्या वो है आशिकी 2 या फिर बागी? 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे यार दोनों फिल्में मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, और आशिकी 2 क्या गाने थे यार, और वैसे श्रद्धा डांस तो अच्छा करती है यार, गाना बड़ा कमाल का गाती है, आई जस्ट लव द वे शी सिंग्स मैन। वैसे यार श्रद्धा कपूर के टैलेंट की बात तो हो गई, तारीफ भी हो गई, लेकिन कई टैलेंट ऐसे होते हैं जिनको देख के कसम से मुंह से निकल जाता है उत्तरी ये कैसे हुआ यार। हाँ यही हुआ मेरे साथ जब मैंने देखा बंदरों को पतंग उड़ाते हुए। कमाल है यार, मतलब थोड़े दिन पहले स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे, अब पतंग उड़ा रहे हैं, पता चला थोड़े दिन बाद कपड़े पहन के ऑफिस चले गए हैं, और तो और थोड़े दिन बाद होस्टिंग करनी शुरू कर दिया। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मैंने संभाला, मैं नहीं, टेंशन की बात नहीं है। वैसे चलिए अब मैं पूछता हूं हमारा अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है, आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा जानवर ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या है वो बंदर या फिर बिल्ली? टाइम शुरू होता है 10 सेकंड का अब। वैसे बंदर कितने इंटेलिजेंट है ये तो हमने देख लिया, कभी पतंग उड़ा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन बिल्लियां भी कम नहीं होती, म्याऊ म्याऊ करके ना हमसे अपने सारे काम करवा ही लेती हैं। लेकिन मुझे बिल्ली की एक बात समझ नहीं आती, अरे आना है तो आ जाए यार, बार बार पूछती क्यों है म्याऊ म्याऊ। ऑलराइट, तो आगे बढ़ने से पहले यार एक बार फिर से आपको याद दिला दूं यार, यहाँ पर आप हमारे साथ इतने प्यार से इतनी बड़ी तादाद में जुड़ रहे हैं, तहे दिल से उसका धन्यवाद। वैसे हर रोज यहाँ पे बहुत से लोग बहुत से इनाम लेके जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था, डेली 100 विनर्स लेके जाते थे 1000 रुपए के गिफ्ट कार्ड,
लेकिन आप लोगों का प्यार देखने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 100 नहीं बल्कि 120 विनर्स डेली यहां पे जीतेंगे ₹1000 के गिफ्ट कार्ड। ये गेम आप सुबह 9 से रात 9 तक मेरे साथ खेल सकते हैं, यानी हर घंटे हम चुनेंगे 10 लकी विनर्स जो जीतेंगे ₹1000 के गिफ्ट कार्ड। और तो और एक विनर रोज लेके जाएगा ₹1,00,000 और सीजन के अंत में 100 विनर्स को मिलेंगे सरप्राइज गिफ्ट और एक लकी विनर लेके जाएगा ₹1,00,000। तो दिल खोल के खेलो। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। यार वैसे लाइफ में ना एक काम मुझे बहुत ही बोरिंग लगता है, फॉर्म भरना। यार फिर वो चाहे इनकम टैक्स का फॉर्म हो या लाइसेंस का फॉर्म, यार इतने सवाल पूछते हैं, आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, चश्मे का नंबर, मन तो करता है बता दूं अपने जूते का नंबर, और तो और कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि आपके फूफा के चाचा के बेटे के लेफ्ट हाथ में कितने तिल है। अरे इंसान क्या क्या बताएगा। मैं तो एक पिटीशन चालू करूंगा, वो होगा आज से नो मोर फॉर्म्स। प्लीज आप लोग मेरा साथ देंगे, थैंक यू सो मच। उसके लिए मैं एक फॉर्म भेज दूंगा, अब भर दीजिएगा। खैर मजाक कर रहा हूं, अब बारी अगले सवाल की। अगला सवाल है, आप मुझे बताइए लाइफ में आपको सबसे ज्यादा इरिटेटिंग क्या लगता है, फॉर्म भरने से भी ज्यादा इरिटेटिंग। क्या वो है ट्रैफिक जैम में फंसना या फिर लाइन में खड़े रहना। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। वैसे यार ट्रैफिक जैम मुंबई में बहुत ट्रैफिक जैम होते हैं। एवरेज स्पीड पता है क्या है, 7 किलोमीटर पर आवर, यानी आदमी एक घंटे में सिर्फ 7 किलोमीटर ट्रैवल कर पाता है मुंबई में। और तो और लाइन में खड़े रहना, यार लाइंस तो इतनी ज्यादा हो गई है, किसी को फोन भी करो तो आगे से आवाज आती है वेट करें आप कतार में है। कमाल है ना यार। बताओ यार हम लोग यहाँ पे फॉर्मिंग कर रहे हैं यानी फॉर्म भर रहे हैं, और वहां धर्म जी फार्मिंग कर रहे हैं। यार उनको अपने फार्म का इतना शौक है, इतने प्यार से रखा है धर्म जी ने अपना फार्म कि मैं क्या बताऊं। यार सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, गाय का ताजा ताजा दूध निकालते हैं, वहां पे सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं। यार इतने प्यार से रखा है अपना फार्म, जैसे उनका प्यारा सा अपना खुद का गांव। दोस्तों ब्रोकली भी होने लगी है, साइज देखो क्या साइज, टमाटर तोरी और ये टमाटो सब कुछ स्केल पे तोलता हूँ। आज कितनी सब्जी, क्या बात है यार, क्या ताजी ताजी सब्जियां ना। वैसे कहते हैं अगर सब्जियों से फलों से आप बातें करें ना तो वो उतने ही अच्छे उगते हैं। क्या बात है, धर्म जी भी यही करते होंगे, लेकिन बात कैसे करते होंगे। गेतोरी मैं तुम्हारा जूस पी जाऊंगा। क्या बात है यार, धर्म जी वी लव यू। एंड इसी तरह आपका फार्म और सुंदर सुंदर दिखता रहे, वहां पे गोभी उगे, टिंडे उगे। गोभी से याद आया मेरा अगला सवाल, आप मुझे बताएं किस तरह की गोभी आपको ज्यादा पसंद है, फूल गोभी या पत्ता गोभी। 10 सेकंड का समय शुरू होता है अब। वैसे पत्ता गोभी को पत्ता गोभी बोलते हैं, मुझे बचपन में पत्ता ही नहीं था, ये तो बड़ा होके मुझे पत्ता चला है। लेकिन फूल गोभी, मेरे यहाँ पे मोहल्ले में एक लड़का था, वो हमेशा कोई भी साइड से जाता था उसको बोलता था कित चले गोभी दा फूल बड़े के कुड़ी बदामी रंग दी। उसके बाद उसका क्या हाल होता था छोड़ दो। चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी 5 नए सवालों के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये गेम आप सुबह 9 से रात 9 बजे तक मेरे साथ जितनी बार चाहे खेल सकते हैं। अच्छा तो चलिए अब चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात बताऊं यार, भलाई का जमाना ही नहीं है। अरे अभी थोड़े दिन पहले लॉकडाउन से पहले मैं नदी के किनारे बैठ के लहरों को देख रहा था, उतने में लहरों से एक मछली निकली और मुझे देख के बोली तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या। कमाल हो गई यार। फिर चलिए कोई बात नहीं, कल मुलाकात होगी 5 और सवालों के साथ, ओनली ऑन फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट्स। क्या बोलती पब्लिक।